नमस्कार दोस्तों, जीतने वालों को मेरा सलाम और हारने वालों को भी मेरा सलाम, क्योंकि हार ही एक ऐसी चीज है जो आपको जीतती और सफल करती है। लेकिन ये सक्सेस न मिलने के क्या कारण है उसको आज एक कहानी के द्वारा, अगर आपको ये कहानी समझ में आ जाती है तो आपकी 50% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगे। ये कहानी उस जंगल के राजा की है जो एक बार पानी पीने के लिए एक दूसरे इलाके में रहा करता है। तो पानी पीने के बाद जैसे ही उस इलाके से आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, उसके सामने भी हाइनास हो चुकी है। हाइनास विजन्स को देख के पहले तो पेड़ को डर नहीं लगता, लेकिन जब हाइनास उसके सामने आने लगते हैं, उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करने लगते हैं, तब शेर एक चोर की दहाड़ लगाता है। लेकिन शेर शायद भूल गया था कि वो होगा जंगल का शेर, लेकिन अभी हाइनास जो है लकड़बग के वो झुंड में है। अब झुंड में अगर कोई होता है तो वो शेर से भी ताकतवर होता है। यही हमारे जीवन में भी होता है, जब प्रॉब्लम्स झुंड के साथ हमारे सामने आती हैं तो हम भले ही कितने शूरवीर और शेर क्यों ना हो, लेकिन हम परेशानी और प्रॉब्लम्स की वजह से उससे निकल पाने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए जब अपने आप को घिरा हुआ देखकर शेर ने एक पुकार लगाई, वो पुकार उस ईश्वर के लिए थी, वो पुकार उन पेरेंट्स के लिए थी, वो पुकार उस फ्रेंड्स के लिए थी जो अपने फ्रेंड्स को मुसीबत में देख कर उसके पास आ सकता है। मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी मुसीबत में हो, जब भी आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को अपने किसी ऐसे फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई या बहन के साथ शेयर करें जो आपको उन प्रॉब्लम से निकालने में मददगार हो। जैसे ही उसने पुकार लगाई, वही पास खड़ा दूसरा से उसके पास आया और दोनों ने मिलकर उस फाइनेंस को चलाया। आप हमेशा सक्सेस अपनी जिंदगी में चाहते हैं, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए क्या आपने कभी किसी की हेल्प ली? और अगर नहीं ली, अब वो टाइम है जब आपको अपनी हेल्प लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी की मोरल वैल्यू ये थी कि हमें हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को अकेले टैकल करते रहना नहीं चाहिए, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है उन फाइनेंस के झुंड की तरह वो प्रॉब्लम्स अब हमके भारी हो रही हो सकता है सेलेक्ट न होने का डर हमें सताने लगा हो, तो हमें उन प्रॉब्लम उन रिजेक्शन को दूर करने के लिए अब किसी ऐसे गाइडर्स, ऐसे गुरु, ऐसे पेरेंट्स की जरूरत है जिनकी सानिध्य से हम आगे बढ़ सकते। तो अपने फ्यूचर पर हमेशा फोकस करिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो टेम्परेरी है और सिलेक्शन जो है वो परमानेंट है। एक बार अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको कोई देर नहीं सकता। You always focus on your goal and be passionate about your success. Thank you so much.